अस्सलामुअलैकुम, सालेहा अली व्लॉग में वेलकम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपको पता आजकल फ़िश का सीज़न है, छोटे बड़े सबकी पसंद है फ़िश। आज मैं अपने किचन में आपको फ़िश धोने का और फ़िश पे मसाला लगाने का तरीका बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपको फ़िश धोने का तरीका बता रही हूँ, इसे इसमें कोई स्मेल नहीं रहेगी। जो लोग फिश की स्मेल की वजह से नहीं खाते वो लोग भी ये इस तरह से धोएंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगी। इसके लिए मैंने 2 किलो फिश ली है, 1 टेबलस्पून नमक और 1/2 टीस्पून अजवाइन, इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाना है और 2 टेबलस्पून सिरका डालना है इसमें। ये डाल कर इसको 30 मिनट के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से धोना है। इस तरह से धोने के बाद इसमें कोई स्मेल नहीं बाकी रहेगी और इसको अच्छी तरह से आप छन्नी में डाल के ड्राई कर लें। फिश को मसाला लगाने के लिए ज़रूरी है कि ये बिल्कुल ड्राई हो, इस पर पानी नहीं हो। इसी तरीके से मैंने इस पर नमक अजवाइन और सिरका लगा के 1/2 घंटे के बाद धो लिया है, इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है। फिश पर मसाला लगाने के लिए हमें ये स्पाइसेस चाहिए, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हमें चाहिए रेड चिली पाउडर और 1/2 टेबलस्पून नमक चाहिए। जीरा और सूखा धनिया हमने तवे पर भून लेना, भूनने से इसकी अच्छी सी स्मेल आएगी। उसके बाद हमें इसे मोटा मोटा कूट लेना है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर लेना है और 1/2 टेबलस्पून हमने जीरा लेना पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 प्याली बेसन, 4 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट और 4 टेबलस्पून लेमन जूस। एक बाउल में हम लहसुन की पेस्ट डालेंगे, इसके बाद हम इसमें लेमन जूस डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। इनको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह से। इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे ताकि ये पेस्ट बन जाए। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मसाले की पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, अब हम इस पर मसाला लगाते हैं फिश पे। इस तरह से एक फिश लेके तो इसमें डिप करके ऊपर नीचे अच्छी तरह से मसाला लगाएं। एक एक करके इस तरह से मसाला लगा लें इसके ऊपर। दबा के ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने फिश पर मसाला लगा दिया, अब आप चाहें तो इसको डिस्पोजेबल बॉक्स में फ्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह से डाल के जितने पीसीस का आपने पैक बनाना है तरह से इसको डाल के आप फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए आपको चाहिए आप फौरन इसको फ्राई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको फिश धोने का तरीका और फिश में मसाला लगाने का तरीका बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिश कैसे फ्राई करते हैं। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।